हाय, मैं शफीकुर रहमान, मैं बांग्लादेश का। तो मैंने इटली में रहता हूँ, मंतोबा में। ये मेरे काम है, मैं इसमें ऑटो लाबाज जो बोलता है, इसका है कार वॉश सेंटर, उमर कार वॉश सेंटर। मैंने यहाँ पे 10 साल से हूँ। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी साफ करता हूँ। इसमें अलग हमारा इंडिया और बांग्लादेश का सिस्टम का नहीं है। यहाँ पे सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम है बापुर के सिस्टम। ये 140 डिग्री ये भापुर है, उसमें इसमें हम गाड़ी साफ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 साल से कर रहा हूँ ये काम। तो इसमें बेहतरीन है, क्योंकि हमारा मुल्क में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ के मैंने एक गाड़ी साफ करता हूँ 20 यूरो का, 15 यूरो का। तो नॉर्मल डे मैंने 8-10 गाड़ी साफ करता हूँ। तो महीने में मेरे 2-2.5 हज़ार बन जाता है। तो इस तरह सिस्टम में मैं करता हूँ। एक गाड़ी के जो 20 यूरो अपने बांग्लादेश में कितने बनते हैं? हमारा बांग्लादेश में अभी 1 यूरो इक्वल बैलेंस 94-95 ऐसे होता है। आपके नीचे कितने बंदे काम करते हैं? आप कितने साथ काम करते हैं? एक या दो? दो बंदा हम काम करते हैं। अकेला तो नहीं कर सकता है, दो बंदा हम करता हूँ। तो इसमें उनको उसको भी तनख्वाह देता हूँ, 900 यूरो उसको तनख्वाह देता हूँ। उसको टैक्स वगैरह मिलके उसको 1200-1300 यूरो उसको भी देता हूँ मैं। मोर कार वॉश ऑटो लाबाज जो इकोलॉजी को मोबाइल और ये जिगंते एल जिगंते सुपरमार्केट के नीचे पार्किंग जो में, हाँ करतातून में। और ये हमारा मशीन है, ये मशीन बापुर का मशीन। इसका नाम है ट्विस्ट इको कार वॉश। और इसमें हम बापुर के साथ ये टेम्परेचर का साथ हम करता हूँ ये काम। और ये पानी के बचत हो जाता है और इसमें टाइम भी कम लगता है। और क्लाइमेट के लिए वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये गंदा पानी नीचे नहीं गिरता है और ये पानी मिट्टी के साथ मिसता नहीं है, ड्रेन में जाता नहीं है। और ये बिल्कुल इकोलॉजी को सिस्टम है। और ये इन्होंने ये न्यू टेक्नोलॉजी बनाया है। और ये बहुत हमारा एशियन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ अभी मैं दिखाता हूँ कैसे हम गाड़ी साफ करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे हम गाड़ी साफ करते हैं। ये जो बापुर का जो सिस्टम है ना, ये आपको बता रहा हूँ। पानी नीचे नहीं गिरता है और इसमें भापुर से वो गाड़ी साफ हो जाता है।
और इस क्लाइमेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और गंदा पानी नीचे नहीं गिरता है और ऐसे ही गाड़ी साफ हो जाता है, पानी की कम बचत हो जाती है, बचत हो जाता है। और ये जो गंदा जो केमिकल जो है ना ये मिक्स नहीं होता है, तो इसमें क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छा है। वो भी दिखाता हूँ आपको, वो भी दिखाता हूँ आपको। इस तरह सीट वगैरह हम साफ करता हूँ, तो ये जो मिट्टी होता है जो सेंस होता है वो ऐसे इस तरह निकल जाता है। कार वाश सेंटर इतने मेरे कार इधर तो होंगे बहुत लोगों ने कहा है वीडियो बनाओ। सो अज दो जने लगे आ, सो इन्होंने बंगला थोड़ी हिंदी से समझाने की कोशिश की आ कि किन्ने पैसे कमाते हैं। सो मतलब इन दिन च चार पाँच कार धो लेंगे ने, 100 यूरो दिन का कमा लेंगे ने दो जने लगे ने। तो मेन गल ये भाफ ना गड्डी धोते हैं, मतलब पानी का यूज़ नहीं करते, भाफ का यूज़ करते हैं। इन्हों का कहना है कि इन्ना फिर पानी गंदा नहीं होंगे सारा, बच जाता नाले प्रदूषण भी नहीं होंगे। सो देखते हैं किस तरह, गड्डी तो बहुत गंदी सी मेरी, यही बनने चलो गड्डी धो लिया। अभी हुई ना साफ, पहला मिट्टी ना भरी ही। ठोकेगी नॉलेज। ये मेरे प्राइस लिस्ट है, तो इसमें छोटा गाड़ी जो है ना, छोटा गाड़ी इसमें लिखा हुआ छोटा स्टार्नो इंटरनो दीची यूरो क्वीन दीची यूरो। इसमें मतलब ये है 10 यूरो 10 यूरो दोनों अंदर बाहर करना 15 यूरो है, और बड़ा गाड़ी 13 यूरो 13 यूरो और 20 यूरो अंदर 13 यूरो बाहर 13 यूरो और दोनों मिलके 20 यूरो है। ये मेरे प्राइस है और इसमें सारे लिखा हुआ इसका सिस्टम वगैरह किस तरह हम साफ करता है, और सीट वगैरह भी साफ करता हूँ। इसमें ये 80 यूरो है सीट, और बड़ा गाड़ी का 100 यूरो है। कितनी गाड़ी आ जाती है दिन में? दिन में तो नॉर्मल डे 4-5 गाड़ी आ जाता है, और सैटरडे संडे को ज़्यादा होता है, 10-15 गाड़ी भी होता है। दिन में आपकी गाड़ी कितनी है? दिन में गाड़ी तो 100 यूरो बन जाता है। 100 यूरो। तो गाइस आज जैसी कार वास्ते आए हैं, बड़िया ने कैसे कहा कि वीडियो बनानी है, इससे भी कि पैसे मिलते हैं की काम है किदा है। सो इतने इन्होंने भाफ के नाल गड्डी साफ की, मतलब कोई पानी का यूज़ नहीं, कोई इन्ना कैमिकल जो थले ना जाए, इदा का काम करते जो इंडिया में बंगलादेश या कितने भी अपने एशियन कंट्री में बहुत घट मिलता है। सो उत्थे तो पानी बहुत वेस्ट करते हैं। सो हूँ देख लो पहला कि गड्डी हूँ कि गड्डी भाजी हजे भी कपड़ा मार रहे हैं, पानी साफ कर रहे हैं गड्डी। सो क्लीन गड्डी है, कोई इन्ना वो नहीं है।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਬ ਆ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।